नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। बात करिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। अमित शाह झारखंड में मौजूद है, साहिबगंज पहुंचे हैं, यहां पर लोगों को संबोधित किया। संबोधित करने के दौरान रोहिंग्या को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठी को चुन चुन कर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि यह काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। साहिबगंज जिले के भोगाना डीए में भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन रथ को जो हरी झंडी दिखाने के लिए अमित शाह यहां पर पहुंचे थे और अमित शाह ने साहिबगंज में इस तरह का बयान दिया। यहां पर पुलिस लाइन मैदान में विशाल परिवर्तन सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार से कई तीखे सवाल पूछे और लोगों से अपील की कि वो आगामी चुनाव में भाजपा सरकार बनाए। हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, क्या पूरा हुआ, ये सवाल उन्होंने जनता से ही पूछा। अमित शाह ने कहा कि आप लोग 5 साल के लिए झारखंड में भाजपा की सरकार बनाए, हमारी सरकार संताल परगना में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देगी। अमित शाह ने पूछा कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लोगों को नौकरियां मिली क्या। उन्होंने कहा कि नौकरियां देने की बजाय हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं को दौड़ा रही है, ऐसा दौड़ा रही है कि युवा दौड़ते दौड़ते मर जाएं। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि झारखंड में एक के बाद एक लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे लेकर नौकरियां बांटी जा रही हैं, गरीब युवा आदिवासी को नौकरियां नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि युवाओं में बेरोजगारी है और उसका भत्ता देने का वादा किया गया था, महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन का वादा किया गया था, नवविवाहित बहनों को सोने का सिक्का देने का वादा किया गया था। सरकार बनने के बाद सारे वादे भुला दिए उन्होंने। बड़े बड़े वादे करने वाली झारखंड की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार दिया प्रदेश को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव के पहले जनता से बड़े बड़े वादे करने वाली इस सरकार ने झारखंड को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन खा गई, इस सरकार ने झारखंड को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस आदिवासी कल्याण की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो उसने आदिवासी कल्याण के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। वर्ष 2013-2014 में केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद अब उसी विभाग का बजट 1.20 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मोदी की सरकार ने आदिवासियों के लिए DMFT फंड दिया है, 63,000 गांवों के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की है। अमित शाह ने संताल परगना की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कहकर जाता हूं कि हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम 75 साल से ज्यादा युवा के गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे, उसकी व्यवस्था देंगे। अमित शाह ने हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने वाली सरकार है, दूसरी ओर भाजपा है जो आदिवासियों की चिंता करने वाली पार्टी है। झारखंड में 37 आदिवासी बहनों का बलात्कार हुआ, साहिबगंज और दुमका की बेटी की हत्या कर दी गई, लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं बोलती है। तो अमित शाह ने किया है झारखंड का दौरा और साहिबगंज में उन्होंने जनता को संबोधित किया। तमाम आरोप उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए। आपको क्या लगता है, आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं अमित शाह हेमंत सोरेन पर, उनकी सरकार पर? आप मुझे कमेंट के जरिए बताएं। नमस्कार।